हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स सीएस पेरेंट। तो आई एम श्रुतिका। सो टुडेज वीडियो इज काइंड ऑफ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बताऊं मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी फाउंडेशन में। तो मैंने सोचा कि डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने मेरी बुक्स वगैरह सब कुछ मिल गई थी मुझे। उसके बाद आई थॉट कि मेरी दीदी की शादी थी तो मैं उसके बाद मतलब फरवरी के बाद से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी। सो ये सब मैंने सोच लिया था आराम से। तो फरवरी के बाद मैंने जब पढ़ाई करना स्टार्ट की तो आई स्टार्टेड विद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन मैथ्स एंड फाइनल अकाउंट्स इन अकाउंट्स। तो इस सब चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया और मैंने लॉ में सोगा से स्टार्ट किया था। बट मैंने दो चार दिन कंटिन्यू करा अपना जो भी पढ़ाई वगैरह है वो, बट आफ्टर दैट मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। मतलब आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मैनी डेज। तो मेरे से 15-20 दिन पूरे वेस्ट हो गए। अब उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो आई वॉज सो मच एंग्जियस। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरा अटैम्प्ट गया, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। अब थोड़ा ही टाइम बचा है, उसमें फिर बीकॉम के भी एग्जाम्स हैं तो कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन एग्जाम्स तो देने थे, कांट मिस एन अटेम्प्ट। बात तो सही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट स्टडी। तो आई वॉज इन टू स्ट्रैटेजी सो मच, लाइक आई थिंक दैट आई वॉज एस्केपिंग द रियलिटी बाय दैट कि पढ़ाई तो की नहीं थी, तो इसलिए पढ़ाई हो भी नहीं पा रही थी एक्चुअली, इतना टाइम वेस्ट हो गया था। तो इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज देख रखी थी कि मुझे सिलेबस नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि क्या चीज़ किस में क्या चैप्टर क्या कंटेंट है। बट आई नो दैट वेटेज ऑफ ईच चैप्टर, आई नो ABC एनालिसिस, मुझे पता था किस में से कितने मार्क्स का आता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने इतनी स्ट्रैटेजीज देख रखी थी। तो इसलिए जब मैंने देन आई डिसाइडेड फाइनली कि अब मैं 1st of April से स्टार्ट करूँगी विथ ऑल द लेक्चर्स। तो मैंने April 1 से स्टार्ट किया एंड मैंने पूरे अप्रैल आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं सिर्फ लेक्चर्स करूँगी एंड नो रिविजन एट ऑल। लेकिन जब मैंने लेक्चर्स करे तो फिर मैथ्स में निशांत सर ने हमें बताया था कि रिविजन प्लानर बनाना है साथ साथ में, बिकॉज मैथ्स मतलब मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था मतलब अभी भी है। तो इसलिए मैंने मैथ्स का रिविजन साथ साथ में करा क्योंकि मैथ्स मुझे कुछ भी समझ में नहीं, याद नहीं रह रहा था, लाइक लेक्चर्स देखने से कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा था कि साथ साथ में रिविजन भी मैंने मैथ्स का कंटिन्यू रखा। उसके बाद एक और बात, आई डिडंट टेक एनी पेड क्लासेस, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था फाउंडेशन अन अकेडमी से। तो आई स्टार्टेड, तो मैंने अप्रैल में पूरे सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट करे। देन मई आया, मई में आई थॉट टू डिवाइड माय टाइम इनटू 60-40 रेशियो, लाइक 60% टाइम मैं अपना रिविजन करूँगी एंड 40% टाइम लेक्चर्स देखूँगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर भी लिए तब भी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कितना रिटेन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। इसलिए यही मैंने स्ट्रैटेजीज में यही देखा था कि रिविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप रिटेन कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर्स के पीछे मत भागना। तो फिर मैंने इसलिए अपना ज़्यादा टाइम मई में रिविजन को दिया। तो मैंने डेडलाइन बना रखी थी कि 31st of May जो है वो मेरा आखिरी डेट होगी फॉर स्टडीज, मतलब फॉर लेक्चर्स नॉट स्टडीज, लेक्चर्स के लिए आखिरी डेट होगी। तो मैंने 31st तक अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कैसे भी करना था। आइडेंटिड 100% ऑफ सिलेबस, मतलब पता ही चल गया होगा कि इतने टाइम में तो 100% सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल था। तो इसलिए मैंने सिलेक्टिव चैप्टर्स ही करे थे जो मुझसे हो पाए थे। और फिर मैंने मैथ्स बिजनेस क्या बोल रही हूँ मैं मैथ्स अकाउंट्स बिजनेस लॉ और इकोनॉमिक्स ये सब मैंने स्टार्ट किया। बट आखिरी के 5-6 दिनों में आई स्टार्टेड विद बीसी के एंड बीसीआर। बीसी के बीसीआर के लिए टाइम नहीं था, 31st तक लेक्चर्स कंप्लीट करने थे, इसलिए मैंने आखिरी के 6-7 दिन इन दोनों को दिए। और देन फ्रॉम 1st of June 31st of May तक सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। देन 1st of June से आई स्टार्टेड विद मॉक टेस्ट एंड उस टाइम पे ना एक बाहुबली टीम की ना गेम चेंजर टेस्ट सीरीज भी चल रही थी। तो मैंने उससे भी कुछ टेस्ट दिए, मैंने सारे चैप्टर्स के टेस्ट नहीं दिए थे बट हाँ कुछ चैप्टर्स के टेस्ट दिए थे। देन फिर मैंने RTP MTP वगैरह भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब जून में सिर्फ रिविजन और टेस्ट वगैरह दे रहे थे बस, कोई भी लेक्चर नया कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ी थी मैंने। देन ये सब चल रहा था, फिर मेरे BCom के भी एग्जाम्स की डेट आ गई थी। तो BCom के एग्जाम्स पे मैंने सोचा था कि एक दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम दे दूंगी, लेकिन जब एक दिन पहले पढ़ने की बारी आई तो फिर मुझसे बिल्कुल BCom का नहीं पढ़ा गया लिटरली। मतलब एक तो इतना घटिया सिलेबस था, ऊपर से CA की वही चिंता हो रही थी कि कहीं अटैम्प्ट ना लग जाए, इसलिए मैंने BCom का जस्ट मैं सुबह मेरा BCom का भी टाइम था 2 से 5 ही था एग्ज़ाम का, तो जब मैं रेडी होती थी तभी बस मैं सिलेबस देख लेती थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, वही इंडेक्स और चली जाती थी।
तो आई डेंट स्टडी फॉर बीकॉम बट आई पास्ड. तो उसके बाद फिर मेरे 21st को या 21st ऑफ जून को मेरे बीकॉम के एग्जाम्स ख़त्म हुए फॉर मेजर सब्जेक्ट्स, और मेरे 24th ऑफ जून से सीए के एग्जाम स्टार्ट थे. और मेरा सेंटर अलग अलग होता है, तो आई हैव टू ट्रैवल टू माई सेंटर. लाइक मेरा सेंटर ग्वालियर में होता है सीए का, हमारे होम टाउन में कोई भी सीए का एग्जाम सेंटर नहीं है. तो इसलिए मुझे बीकॉम के एग्जाम्स मुझे अपने होम सेंटर पे होम टाउन में ही देने थे, और फिर मुझे सीए के लिए ट्रैवल करना था. तो ये अच्छी बात है कि मेरे डेट्स कोलाइड नहीं हुए एक बीकॉम और सीए के. उसके बाद मेरा कंप्लीट हो गया 30th को सीए के एग्जाम्स, और 1st ऑफ जुलाई से मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था. सो दैट्स हाउ आई स्टडीड. मतलब इस तरह से मैंने अपना टाइम डिवाइड किया था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे, तो इस तरह से मैं अपना टाइम डिवाइड किया था. और मैंने अपना लेक्चर्स कंप्लीट किया और रिवीजन कंप्लीट किया. और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यही बोलना चाहूँगी कि रिवीजन पे आप ज़्यादा फोकस करना लेक्चर्स से, क्योंकि अगर आप लोग लेक्चर्स देख भी लोगे तो कोई मतलब के नहीं है जब तक आप उसको डिटेल ना करो. मतलब आपको ठीक है. और टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब जो भी मैंने टेस्ट और मॉक टेस्ट वगैरह में सॉल्व किया था ना, उसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आए थे. मतलब ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नया आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ था. ओके, सो एक और लेट मी टेल यू कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स करे थे सारे सब्जेक्ट्स में. सो मैंने अकाउंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स. तो मैंने अकाउंट्स में करा था फाइनल अकाउंट्स, NPO, कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप. देन आई स्टार्टेड विद कंसाइनमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट. इतने चैप्टर्स किए थे मेरे हिसाब से मैंने. हाँ, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन भी थोड़ा बहुत करा था, ज़्यादा नहीं करा था. तो इतने चैप्टर्स मैंने अकाउंट्स में करे थे. देन फॉर मैथ्स आई स्टार्टेड विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी. उसके बाद फिर मैंने करा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, साथ में करा था. फिर लॉजिकल रीजनिंग करी. देन आई स्टार्टेड विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट रिलेशन फंक्शंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स और रेशियो, प्रोपोर्शन और AP GP. में से मैंने सिर्फ AP करा था, क्योंकि मुझे GP आ नहीं रहा था. मतलब मैंने ट्राई किया था लेकिन फिर मुझे आ नहीं रहा था, तो आई लेफ्ट द लेक्चर्स. उसके बाद मैंने बिजनेस लॉ में मैंने पूरा करा था. लाइक आई स्टार्टेड विथ SOGA, फिर मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर मैंने करा पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट, और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो मैंने उसकी 3 यूनिट करी, लेकिन वो इतना ज़्यादा लेंदी था कि मैं उसमें बोर हो गई. और फिर मैंने सोचा कि पहले LLB कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा है वो. तो मैंने LLP और बाकी की जो 3 यूनिट्स थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं करी, वो टाइम नहीं था, इसलिए कम कम ही हो पाई. फिर मैंने BCR में स्टार्ट किया था विथ इंपॉर्टेंट जो कंपल्सरी क्वेश्चन आते थे, कम्युनिकेशन वाला चैप्टर करा था. देन आई डिड नोटिस राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ये सब चीज़ें मैंने पहले करी. देन आई स्टार्टेड विथ मीटिंग, सर्कुलर मेमो और लेटर राइटिंग, और फिर जो भी है रेज्यूम राइटिंग, ये सब कवर लेटर वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने कर ली थी. तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं था इस वजह से. फिर मैंने इकोनॉमिक्स में मैंने पूरे चैप्टर्स जो बुक में ऑर्डर दिया था उसी में करे थे, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5. और फिर BCK में भी मैंने सारे चैप्टर्स करे थे, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाए थे. मतलब 1, 2 तो ठीक था, बट 3, 5 और 6 मेरे ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाए थे चैप्टर. ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मतलब मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे, बट उस हिसाब से मेरा स्कोर नहीं आया. सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच इन एग्जाम्स. 12th जैसा नहीं है. मतलब मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि 12th में हमें ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छे एग्जाम जाता है तो 98-99 मार्क्स आ जाते हैं, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. बहुत अच्छे एग्जाम्स जाते हैं, बट स्टिल जो स्कोर है वो बहुत कम आता है. तो इसलिए डोंट एक्सपेक्ट टू मच, वर्क हार्ड. ऑल द वेरी बेस्ट, बाय.